Hello everyone, I hope everybody is in good health. So we are going to continue with house property today. Do din ka gap ho gaya hai, I know, but I was a little busy and trying to work something out. That's why I couldn't record the classes. But now we are going to continue with it. And so let's start without wasting any time. I have something new for you. Look at this. I was talking about this in the last few classes. मैंने आपसे बात भी की थी. मैं इस टाइप का कुछ ट्राई कर रहा हूँ. But finally, I've got this touch laptop where I can write. So this is going to help us a lot. इससे मुझे जैसे कभी भी कुछ भी आपको explain करना होता तो I used to feel handicapped. मैं समझा नहीं पाता था आपको because I couldn't write anything. But with the help of this thing now, we can do it. So let us do it, let us start. मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगा लास्ट क्लास का. जो कॉन्सेप्ट हमने किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. और इसके बाद हम कुछ इसके केसेस देखेंगे, स्पेशल केसेस देखेंगे जहाँ पर सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए. सबसे पहले हमने जब हाउस प्रॉपर्टी की बात की थी तब हमने ये बोला था कि इनकम कैसे कैलकुलेट होगी हाउस प्रॉपर्टी की. हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट होगी, सबसे पहले आपको जीएवी निकालना होगा. जीएवी आपने फाइंड आउट किया, उसके बाद कुछ डिडक्शन मिलेगा क्या इसमें? यस सर, मिलेगा. किस चीज़ का डिडक्शन? आपको म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने देंगे. जो हाउस प्रॉपर्टी टैक्स आप गवर्नमेंट को देते हैं वो आपको डिडक्ट करने देंगे, क्योंकि बेसिकली जीएवी इज योर इनकम. ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कुछ अगर आपका एक्सपेंस हुआ है तो उसे डिडक्ट भी करने देंगे. उसके बाद जो आपका इन दोनों के बाद निकल कर आएगा उसे हम बोलेंगे एनईवी, विच इज नेट एनुअल वैल्यू. ये जब आपका निकल कर आया, क्या ये फाइनल है? क्या ये फाइनल इनकम हो जाएगी? क्या इस इनकम पर टैक्स लग जाएगा? नो. इसके बाद भी कुछ और डिडक्शंस अलाउ होंगे जिसकी हमने बात की थी. वन ऑफ देम इज 24A में एक डिडक्शन है, फिर 24B में एक डिडक्शन है. 24A में क्या है, इसे हमने नाम दिया था स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब 30% का ऑफ एनईवी. एनईवी जितनी आपकी है उसका 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा 24A में. मतलब ये मान लीजिए 1 लाख का अमाउंट है एनईवी का, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30,000 मिल जाएगा. क्या सर ऐसी 30,000 बिना माइनस करने है, बिना किसी एक्सपेंडिचर के? मैंने आपको बताया था ये एक्सपेंडिचर ये किसके रिलेशन में होता है. आपकी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी, उसमें कुछ ना कुछ रिपेयर मेंटेनेंस, कुछ ना कुछ खर्चा तो हो ही रहा होगा आपका. आपका लेट अस से कुछ रिपेयर कराया आपने, या फिर आपने वाटर बिल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, कुछ तो भी आपने इस टाइप का खर्चा अगर दिया तो वो एक्चुअल बेसिस पे अलाउड नहीं है. उसका एक स्टैंडर्ड, एक एडहॉक डिडक्शन दिया हुआ है सेक्शन 24A में, विच इज 30% ऑफ योर एनईवी. तो जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उसका 30% उतना ज़्यादा अमाउंट वो बनता जाएगा, और अगर कम इनकम है तो वो एक्सपेंस भी कम अलाउ होगा. उसके बाद हमने सेक्शन 24B की बात की थी. ये हमने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, मतलब अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, हाउस कितना मजा आ रहा है ना, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए कोई बोरोइंग की है, मतलब बैंक से आपने लोन लिया है, तो उस केस में उसका जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो भी डिडक्शन के लिए अलाउ होगा. मतलब आप एक तरफ सोचिए, आप सोच के देखिए कि एक तरफ मैं यहाँ पर रेंट दिखा रहा हूँ अपना, कि मुझे रेंट आ रहा है. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि मेरा रेंट आ रहा है, और यहाँ पर मैं कुछ खर्चे बुक कर रहा हूँ अपने. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लोन लिया हुआ है, लोन का मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ. तो हम अगर इनकम टैक्स आपसे बोले कि इस पर मैं टैक्स लगाऊंगा सर, ये जो आपकी रेंट आ रही है उस पर टैक्स लगाऊंगा, लेकिन ये एक्सपेंस में डिडक्ट नहीं होने दूंगा, तो क्या ये सही होगा? नहीं. तो ये इसी के रिलेशन का एक एक्सपेंस है, तो ये भी अलाउ हो जाएगा. लेकिन इसकी क्या कुछ लिमिट्स रहेंगी या नहीं रहेंगी वो हम जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये भी यहाँ पर एक एक्स अमाउंट डिडक्ट करने के लिए अलाउ कर देते हैं. ये दोनों जब डिडक्ट हो जाएंगे उसके बाद जो भी बचेगा, उसे हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो जो आपने टॉपिक पढ़ा था, जो आपने एसेंशियली पहले हमने बात की थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो अभी तक आई नहीं थी. जीएवी इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एनईवी इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. व्हाट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? एनईवी माइनस 24A का डिडक्शन, 24B का डिडक्शन. अब इसके बाद हमने आपसे कुछ थोड़ी सी बात और की थी कि अब जीएवी निकलेगा कैसे. ठीक है, जीएवी निकलेगा कैसे? तो इसके लिए आपके पास दो चीजें हैं. एक तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको एक्चुअल रेंट. अब एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, व्हिचएवर इज हायर. इन दोनों में से
हायर कौन सा है आपको वो लेना है। ये मंथली बेसिस पे दिए हो सकते हैं या फिर ये ईयरली बेसिस पे दिए हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर मंथली बेसिस पे दिए तो इंटू 12 कर लेंगे आप, और इंटू 12 करने से आपका वो ईयरली बेसिस पे आ जाएगा, तो उससे कुछ फर्क एज सच पड़ता नहीं है, ठीक है। बट मैक्सिमम इट कैन गो टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर जैसे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन मेरा लेट अस सपोज 10,000, सॉरी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन मेरा आ रहा है 10,000 और फेयर रेंट आ रहा है आपका 12,000, तो इन दोनों में से हायर कौन सा हो गया? सर फेयर रेंट हायर हो गया, तो आप फेयर रेंट ले लेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट जो है वो 9,000 आ रहा है, तो इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट, अगर फाइनल रिजल्ट में पूछो एक्सपेक्टेड रेंट का क्या होगा, तो एक्सपेक्टेड रेंट का फाइनल रिजल्ट होगा 9,000, क्योंकि म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट में से जो भी ज्यादा होगा उसे हम सिलेक्ट तो कर लेंगे इस स्टेप तक, लेकिन अगला स्टेप क्या है, इट शुड नॉट बी मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है 9,000, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता आपका एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। और अगर अगर लेट अस से आपका स्टैंडर्ड रेंट 15,000 था, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर आपने क्या सिलेक्ट किया, फेयर रेंट सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर स्टैंडर्ड रेंट 15 के है, तो क्या 15 के ले लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट को ले लेंगे? नहीं, स्टैंडर्ड रेंट इज बेसिकली एन अपर लिमिट। स्टैंडर्ड रेंट क्या है, एक अपर लिमिट है, इसे कभी भी लिया नहीं जाएगा जब तक कि ये कैप ना हो, मतलब अगर ये इससे एक्सीड कर जाता तब स्टैंडर्ड रेंट पे रुक जाते, लेकिन अगर ये ज्यादा है तो इस केस में हम एक्सपेक्टेड रेंट हमारा कितना निकलेगा, 12 के निकलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसके मैं बहुत सारे सम्स करा सकता हूँ और आपके जो प्रैक्टिस शीट में आपको दूंगा उसमें सम्स आएंगे भी, बट अभी के लिए समझने के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट, इतना ही है। अब उन क्वेश्चंस में कुछ और डिटेल्स कुछ आपको देकर और ऐसा कुछ कर आपको घुमा दिया जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पर रहना है हमें, वो जो डिटेल्स आएंगी उससे हम कुछ और सीखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पर, इसके बाद हमने एक्सपेक्टेड रेंट निकाल दिया। बेसिकली व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट, हमें क्या एक्सपेक्टेड है इस प्रॉपर्टी से, कितना रेंट आएगा, तो ये हमने निकाल दिया। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा, डू नॉट वरी कि ये हमें कुछ कैलकुलेट अलग से करना होगा, ऑल विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। हमने एक्सपेक्टेड रेंट निकाल दिया, नाउ व्हाट, नाउ यू हैव टू गो फॉर एक्चुअल रेंट। अब आपको एक्चुअल रेंट निकालना है। अब एक्चुअल रेंट में क्या है, रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। तो रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल, आपको एक्चुअल साल में रेंट रिसीव कितना हुआ, अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, so now we are going to see what is actual rent. Actual rent में हमने बात की कि actual rent is basically rent actually received or receivable, जितना rent आपको मिला या फिर मिलना चाहिए था, minus unrealized rent. So ऐसा भी हो सकता है कुछ circumstances में कि जो हमारा tenant है वो हमें पूरा rent pay ना करे जितना हमारा decided था। Let us suppose हमने उससे बोला था कि आपका 10,000 per month rent रहेगा, तो 12 मंथ्स का रेंट आपका 1,20,000 रुपीज हो गया, तो वो रहा तो हमारे यहाँ पूरे 12 महीने, लेकिन वो एंड में 2 महीने का रेंट बिना दिए चला गया, कुछ डिस्प्यूट हो गया था उससे या व्हाटएवर द केस में भी, उसने हमें 2 महीने का रेंट नहीं दिया। तो जो रेंट हमें मिलना चाहिए था और नहीं मिला, उसे हम बोलेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। आई एम रिपीटिंग, जो रेंट हमें मिलना चाहिए था और हमें नहीं मिला, एक्चुअली में रिसीव नहीं हुआ, उसे हम बोलेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। तो क्या ये आप एक्चुअल रेंट रिसीव्ड में से माइनस करने दोगे, लॉ माइनस करने देता है, क्योंकि ये रेंट एक तरह से आपको नहीं मिला, तो क्या लॉ माइनस करने देगा ये वाला रेंट आपको? यस, इट इज अलाउड टू बी डिडक्टेड। तो एक्चुअल रेंट में से जो रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल था वो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है बॉस। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बात की कि 10,000 रुपीज हमने बात की थी पर मंथ का रेंट, तो उसके हिसाब से इंटू 12 अगर आप कर देंगे तो पूरे साल का एक्चुअल रेंट कितना आ जाएगा, 1,20,000, ठीक है। इसमें हम बोल रहे हैं कि हो सकता है कुछ अनरियलाइज्ड रेंट भी हो, तो जब AR में से आप UR माइनस करते हैं, लेटेस्ट से 2 महीने का रेंट उसने हमें नहीं दिया तो हमने माइनस कर दिया, अब जो रेंट निकल के आया वो 1,00,000 रुपये निकल कर आया, राइट। तो बेसिकली हमारे पास पैसे आए कितने, कितना रेंट हमने एक्चुअल में रिसीव किया पूरे साल में, 1,20,000 या 1,00,000 रुपये। So we received only 1,00,000 rupees. इसे हम ARR भी बोल सकते हैं, actual rent received, ठीक है ना। तो ये भी बोला जा सकता है, या फिर आप इसे
ऐसे ही रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दिस एक्चुअल रेंट इज नॉट गोइंग टू बी 1,20,000, दिस इज गोइंग टू बी 1,00,000 रुपीज. ठीक है, तो एक्चुअल रेंट निकालना आ गया हमें, और यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड रेंट निकाला था. एक बार और ले लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट को. लेट अस सपोज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, म्यूनिसिपल एनुअल वैल्यूएशन, पूरे साल की बात करते हैं. साल में और एक मंथ में कोई डिफरेंस नहीं होगा. अगर आपको वो मंथली देता है, बोलता है 10,000 इज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन पर मंथ, तो आप उसे इंटू 12 कर देंगे. ठीक है, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है. ये फिगर और ये फिगर तीनों आपको क्वेश्चन में दी होंगी. सो बेसिकली सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है. इट इज़ वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या स्टेप पर क्या क्या वैल्यूएशन लेना है. दैट्स इट. सो हमारे पास लेट अस सपोज म्यूनिसिपल वैल्यूएशन वॉज 1,00,000 रुपीज और आपका फेयर रेंट जो था वो 80,000 था. तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कौन सा इन दोनों में से कौन सा लेंगे? सर हम लेंगे यहाँ पर विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी हायर होगा हम वो लेंगे. तो यहाँ पर आपका कितना आ गया? 1,00,000 रुपीज आ गया. ठीक है, अभी तक तो 1,00,000 है. अब स्टैंडर्ड रेंट से बस हमें चेक करना है, स्टैंडर्ड रेंट से कहीं ज्यादा तो नहीं है. तो अगर स्टैंडर्ड रेंट लेट अस से 80,000 है, तो इस केस में आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा बॉस? क्या 1,00,000 रुपीज लोगे या फिर 80,000 लोगे? आपका एक्सपेक्टेड रेंट विल बी 80,000 रुपीज. बात खत्म. अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, आपको इन्हें कंपेयर करना है. स्टार्टिंग में हमारी बात ही थी ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो हमने देखा था. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को हमें कंपेयर करना था. नाउ वी कंपेयर एक्चुअल रेंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट. तो अभी यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे. अगर यहां तक की कहानी क्लियर नहीं है तो अभी आप डाउट पूछ सकते हैं. अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है इसमें, अभी फोन उठाइए, अभी व्हाट्सएप कीजिए मुझे, या फिर अभी कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं आप. कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना. ठीक है ना? तो सिंपल है, म्यूनिसिपल या फेयर विच एवर इज हायर वो पकड़ लिया. उसके बाद बस ये चेक करना है स्टैंडर्ड से ज्यादा तो नहीं है. अगर स्टैंडर्ड से कम है तो वही ले लेंगे, स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो स्टैंडर्ड पे रुक जाएंगे. बात खत्म हो गई. कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से. एक्चुअल रेंट इज व्हाट? जितना साल में मिलना चाहिए था या मिल गया, माइनस आपका अनरियलाइज्ड रेंट, जितना वो देकर ही नहीं गया, वो भाग गया पता चला. ठीक है, तो वो जितना देकर नहीं गया वो माइनस कर देंगे. ठीक है बॉस, चलो. तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है. अच्छा, यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड रेंट में म्यूनिसिपल वैल्यूएशन क्या है, फेयर रेंट क्या है, ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं. एक्चुअल रेंट अनरियलाइज्ड रेंट के केस में कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या है? टेनेंसी जो होती है वो बोनाफाइड होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं आप फ्रॉड करने के लिए नहीं कर रहे हो, ये ऐसा नहीं हो कि आपके और आपके टेनेंट की मिली भगत हो और आपको गवर्नमेंट को टैक्स बचाने के लिए आपने दिखा दिया कि हाँ ये तो भाग गया था और एक्चुअल में वो भागा नहीं था. ठीक है, तो टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए. आपको अपनी प्रेमाइसिस वेकेट कराने के जितने मेजर्स पॉसिबल हैं वो ले लेने चाहिए. आपको एक कंप्लेन फाइल कर देनी चाहिए उसके लिए कि उसने हमें इतने पर्टिकुलर मंथ्स का पेमेंट नहीं किया. आपकी चार प्रॉपर्टीज हैं, चारों प्रॉपर्टीज उसने ऑक्यूपाई की हुई हैं, एक का रेंट नहीं दे रहा और बाकी तीनों में वो आराम से रह रहा है, तो इज इट पॉसिबल? ऐसा होता है कभी हमने एक पर्सन को चार प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है, वो एक का रेंट देकर बिना दिए भाग गया, तब भी हम उसे बाकी और प्रॉपर्टीज में रहने दे रहे हैं? इज इट पॉसिबल? डज इट हैपन इन रियल वर्ल्ड? इट डज नॉट हैपन. तो वो ये बोल रहे हैं कि डिफॉल्टिंग टेनेंट, जिसने आपके पैसे नहीं दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रॉपर्टी के पैसे नहीं दिए तो बाकी प्रॉपर्टी में तुम रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब कहीं ना कहीं आप डिपार्टमेंट के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हो, आपके इंटेंशंस खराब हैं. क्योंकि एक्चुअल में ये होता है कि अगर आपने चार प्रॉपर्टी दी हैं और वो पर्सन एक प्रॉपर्टी का रेंट आपको नहीं दे रहा, आप कहते हो तीनों प्रॉपर्टी यूज नहीं करने दूंगा आपको, कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते आप. ठीक है ना? तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का रेंट दिया नहीं, दूसरे का, दूसरे में आप उसको रहने दे रहे हो. तो अगर ये होगा तो बेसिकली पता है क्या होगा, अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्ट नहीं करने देंगे. सिंपल सी बात क्या है, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारे इनके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि अगर इनमें से टेनेंसी, जैसे मान लो, जो मान लीजिए बोनाफाइड नहीं है, मैलेफाइड है टेनेंसी, मतलब हम आप दोनों की मिली भगत है, तो आपको अनरियलाइज्ड रेंट माइनस नहीं करने देंगे. अनरियलाइज्ड रेंट माइनस नहीं करने देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे. यहाँ पर हमने 20,000 माइनस किए थे, हम इसे माइनस नहीं करने देंगे. तो फिर आपका एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा सर? 1,20,000 रुपीज हो जाएगा. तो यहाँ पर 1,20,000 रुपीज आ जाएगा. तो अब बढ़ गई ना इनकम, बढ़ गई आपकी. सो दिस इज व्हाट हैपेंड.
और एसएससी को जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं वो सब करानी पड़ेंगी। ये इसलिए करवा रहे हैं कि प्रूफ हो जाए कि हाँ यार आपने ये जो केस है आपके जेन्युइन केस है। ठीक है, तो सर ये तो हमें समझ आ गया। अब मेन बात है कि इन दोनों को कंपेयर करना है। अब कंपेयर करके क्या करेंगे, आपका रूल अगला नेक्स्ट रूल हम समझेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड रेंट अगर ज़्यादा हुआ तो एक्सपेक्टेड रेंट ले लेंगे, एक्चुअल लेंगे, क्या होगा मतलब। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ जीएबी। ठीक है सर, सो केस नंबर वन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केस नंबर वन। एक्चुअल रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, जैसा कि हमने इस केस में देखा भी था, इसी केस की जो हमने डिस्कस किया उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए अनरियलाइज रेंट, अच्छा आपको क्वेश्चन में ये भी देखना होगा अनरियलाइज रेंट माइनस करना है या नहीं करना। ठीक है, ओनली वेन द कंडीशन आर सेटिस्फाइड आपको अनरियलाइज रेंट माइनस करना है। ठीक है सर, वेरी गुड। तो यहाँ पर 1.2 हो गया एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड आपका 80,000 है। आइए अब रूल क्या कहता है उसके हिसाब से देखते हैं। एक्चुअल रेंट कितना है, 1,20,000, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, 1,20,000। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 80,000। इज एक्चुअल रेंट मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, इज एक्चुअल रेंट मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, यस सर। तो जीएबी क्या हो जाएगी, एक्चुअल रेंट हो जाएगा, मतलब 1,20,000 विल बी योर जीएबी। क्लियर है, तो सीधी सीधी बात बोल रहा है, एक्चुअल रेंट अगर ज्यादा है, आप सोच के देखो, याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताता हूँ, सरकार बोल रही है या डिपार्टमेंट बोल रहा है, सर आपको ना साल में 80,000 रेंट मिलना चाहिए इस प्रॉपर्टी से। आप बोल रहे हो मुझे तो 1,30,000 मिलते हैं। तो सरकार बोलती है बहुत ही अच्छी बात है, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। अच्छा, टैक्स इस पे ज्यादा बनेगा या इस पे ज्यादा बनेगा, सर ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा इनकम तो ज्यादा टैक्स, ज्यादा इनकम तो ज्यादा टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, आप ज्यादा इनकम शो करो या कम इनकम शो करो। अच्छा, ऐसा होगा क्या कि आप बोलो कि मतलब आप बोलो मुझे 1,20,000 रुपये रेंट मिला है और एक्सपेक्टेड रेंट है 80,000, तो गवर्नमेंट के ऑफिसर आके आपका हाथ पकड़ लें रिटर्न भरते टाइम कि नहीं सर एक्चुअल रेंट में मत दिखाओ, एक्चुअल रेंट मत दिखाओ, एक्सपेक्टेड ही रहने दो, जितना प्रॉपर्टी से एक्सपेक्टेड था उतना ही रहने दो। गवर्नमेंट ऐसा करेगी कि कम रेंट दिखाओ, कम रेंट दिखाओ। हमारे हिसाब से गवर्नमेंट बोलती नहीं, आप खुद ही कह रहे हो कि ज़्यादा रेंट मिला आपको, ज़्यादा इनकम है आपकी, बेशक दिखाइए, क्यों नहीं मिल सकती। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको लगता है मना करेगी, बिल्कुल मना नहीं करेगी। ठीक है, तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला एक्चुअल लेने दें। केस टू देखते हैं सर, केस टू में क्या हुआ, केस टू में अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेड रेंट इज मोर देन एक्चुअल रेंट। मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेड रेंट था 2,00,000 रुपए, आपको एक प्रॉपर्टी से 2,00,000 रुपए मिलने थे और आप कह रहे हो कि एक्चुअल रेंट जो मुझे मिला है वो मिला है कितना, 70,000। एक्चुअली में मुझे सिर्फ 70,000 रुपीज मिले हैं इस प्रॉपर्टी से। गवर्नमेंट बोलती है भाई आप हमें बना रहे हैं बेवकूफ, आप हमें बना रहे हैं बेवकूफ। हम लोग क्यों, हम तो सही बोल रहे हैं, हमें तो इतनी रेंट मिला बॉस। गवर्नमेंट बोलते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये सारी वैल्यूएशंस को देखते हुए यहाँ पर हमने एक नहीं, 1, 2 एंड देन 3, इन तीनों चीजों को लिया और उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड रेंट निकाला और आप कह रहे हैं हमें उससे भी कम पैसे मिले हैं। गवर्नमेंट बोलते दिस इज नॉट पॉसिबल, अगर एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल से ज्यादा है, एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल से ज्यादा है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, क्या देना है, जीएवी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब 2,00,000 रुपए। तो सर कंक्लूजन तो शायद ये निकल के आ रहा है केस वन और केस टू से कि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में विच एवर इज हायर वही जीएवी बन जाएगा। आई एम रिपीटिंग, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में विच एवर इज हायर वही जीएवी बन जाएगा। क्या ऐसा होगा बताइए दोस्त। हाँ सर, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट बोल रही है अगर आप कह रहे हो कि हमारी इनकम ज़्यादा हुई है, हमारा एक्चुअल रेंट ज़्यादा है कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रेंट, तो हम आपकी बात मान लेंगे। अगर आप कह रहे हो हमारा एक्चुअल रेंट कम है तो खैर है, हम अपनी बात मानेंगे फिर कि एक्सपेक्टेड जितना तो होना ही चाहिए था, और नहीं भी है अगर तो हम उस पर टैक्स लगा लेंगे। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही होगी, आप बोलोगे सर मिले साल में 70,000 रुपये, मिले साल में 70,000 रुपीज और गवर्नमेंट कह रही है 2,00,000 रुपए पे टैक्स दे दो। गवर्नमेंट कह रही है 2,00,000 रुपए पे टैक्स दे दो क्योंकि यहाँ पर आपने जीएवी तो 2,00,000 ही कैलकुलेट की है। ऐसा होगा,
जी हाँ ऐसा होता है, ठीक है दोस्त। चलिए सर, तो सर हमारा ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया यहाँ तक, अभी इसे मैं हटा देता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है, इसे हम यहाँ पर आके समझते हैं। आइए, तो मान लेते हैं हमारा एक्सपेक्टेड रेंट की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है सर? सर 10,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है, 10,000 रुपीज़ पर मंथ। कितने मंथ्स का लेना है बॉस? 12 महीने का लेना है। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया? 1,20,000 रुपये। क्लियर है बॉस? कोई दिक्कत? एक हाउस प्रॉपर्टी थी। अब सर एक्सपेक्टेड रेंट में आपने वो सब नहीं लिया, क्या नहीं लिया? फेयर रेंट और ये सब चीज़ें, वो हमने कैलकुलेट कर लिया और उससे यही निकल के आया कि एक्सपेक्टेड रेंट 10,000 रुपीज़ पर मंथ था, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक्चुअल रेंट की। एक्चुअल रेंट कितना था? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये साल। तो अभी से बता दो दोस्तों, अभी से बता दो कि इन दोनों में से जीएबी किसे लिया जाएगा, इन दोनों में से जीएबी किसे लिया जाएगा? सर ऑब्वियस सी बात है, एक्चुअल रेंट को लिया जाएगा। व्हाई? बिकॉज हमें यहाँ पर दिख रहा है ये 10,000 और ये 12,000, ठीक है ना। तो जीएबी एआर को ही लिया जाएगा। सर आप आगे कसम कराओ ही मत, इसे लिख दो आप। एक्चुअल रेंट में लिखने ही वाला था, मैं लिखने ही वाला था, लेकिन मेरा एकदम से हाथ रोक लिया कि सर अभी मत लिख, एक बार देख लेते। क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी थी, क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी थी। वो इंफॉर्मेशन क्या थी? क्वेश्चन में बोला गया कि हमारा ये जो घर था ये आउट ऑफ 12 मंथ्स 6 मंथ्स, सॉरी 7 ले लेते हैं, 7 मंथ्स तो वेकेंट था, मतलब यहां पर कोई टेनेंट आया ही नहीं था, और हमारा ये घर सिर्फ 5 महीने के लिए साल में ऑक्यूपाइड था, या फिर मैं कह दूं लेट आउट था। हमारा ये घर 5 महीने के लिए लेट आउट था, और 7 महीने के लिए क्या था? सर खाली था। अब मुझे बताइए कि एक्चुअल रेंट मिला कितना होगा? एक्चुअल रेंट मिला कितना होगा? क्या जो रेंट मिला है वो पूरे 12 महीने का मिला होगा, या वो जो रेंट मिला है वो सिर्फ 5 महीने का मिला होगा? रेंट कितना मिला होगा दोस्त? रेंट सर मिला होगा सिर्फ 5 महीने का। कितना हो जाता है 5 महीने का? मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, बता दो मुझे कितना हो जाता है? सर 60,000 हो जाएगा। आपको तो कुछ भी नहीं आता सर। मुझे नहीं आता, आपको नहीं आता। अब एक बात बताइए, अभी रुको जरा आपको बताता हूँ। तो यहां पर हमारा ईआर निकल के आ गया और एआर निकल के आ गया। हाँ सर बात हो गया, ठीक है दोस्त। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जीएवी इस केस में क्या लोगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था ये देख लेते हैं। इफ एक्सपेक्टेड रेंट इज मोर देन एक्चुअल रेंट, तो एक्सपेक्टेड रेंट लिया जाता है। यहाँ पर ज्यादा कौन सा है इन दोनों में से? सर ज्यादा तो ईआर है। तो क्या आप जो एआर लिखने वाले थे मैं उसे काट के ईआर लिख दूं? जीएवी इज इक्वल्स टू ईआर व्हिच इज 1,20,000 रुपीज, होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर होना तो चाहिए, मैं बोल रहा हूँ नहीं, दिस इज रॉन्ग। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। व्हाई इज दिस रॉन्ग? गवर्नमेंट बोलती है, डिपार्टमेंट बोलता है, ये लॉ बोलता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट रही है कुछ टाइम के लिए, और उस वजह से, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान, बहुत मस्त, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, अगर आपकी प्रॉपर्टी कुछ महीने के लिए वेकेंट रही है, और इस बात को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, और उस वजह से आपका ईआर एआर से ज्यादा है, बिकॉज ऑफ वेकेंसी। सर बात समझ नहीं आई, सर बात समझ नहीं आई। गवर्नमेंट बोलती है अब आपको एक छोटा सा काम करना होगा, आपको ये देखना होगा कि
कि मान लेते हैं प्रॉपर्टी खाली नहीं होती, मान लेते हैं प्रॉपर्टी खाली नहीं होती, पूरे साल वो टेनेंट आपके यहाँ रह रहा होता, तो आपको कितना रेंट रिसीव होता? सर ये तो फिक्टिशियस बात हो गई, एक बार करके तो देखो। मैंने यहाँ पर नोट डाला, मैं यहाँ पर करके देखता हूँ एक बार, कितना रेंट था मेरा सर? 12,000 रुपये रेंट था, इफ नो वैकेंसी, कोई खाली नहीं होता, पहले दिन ही किराएदार आ जाता। अच्छा, लॉ ये नहीं बोल सकता, लॉ ये नहीं बोल सकता कि आपका घर खाली क्यों पड़ा था? पड़ा था भाई खाली, क्या कर सकते हैं, पड़ा था खाली, कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है, इफ नो वैकेंसी, उस केस में आपको रेंट कितना मिलता सर? 12,000 रुपये से रेंट मिलता 12 महीने का, 1,44,000, 1,44,000 गवर्नमेंट बोलता है कि। अब देखिए, अब आप ईआर और एआर को कंपेयर कीजिए, ईआर कितना है आपका? 1,20,000, और अगर वैकेंसी नहीं होती तो एआर कितना आ जाता? 1,44,000। अब दोनों में से ज्यादा कौन सा है? अब तो सर इसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है, एक्चुअल रेंट का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, लेकिन यहां अगर आप कंपेयर करोगे तो इसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है। मतलब सर इससे क्या मतलब, ये क्यों करा रहे हो? दोस्त बहुत ध्यान से समझना, मैंने आपका अनजाने में क्या, मैंने जानबूझ के आपको स्टार्टिंग में एक चीज पॉइंट आउट की थी, मैंने आपको क्वेश्चन ही इस तरीके से कराया था। मैंने पूछा था ईआर तो 10,000 रुपये है और एआर 12,000 रुपये है, तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में एआर ज्यादा होगा, मतलब एआर को ही जीएवी ले ली जाएगी। लेकिन जब हमने कैलकुलेट करके देखा, क्योंकि 7 महीने का रेंट मिला ही नहीं था, तो एआर हमारा आया बहुत कम। ठीक है, तो हमने ईआर को जीएवी ले लिया था, लेकिन मैंने आपसे बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने पूछा क्या आपका जो टोटल रेंट है साल का, पूरे साल का जो एनुअल रेंट रिसीव्ड है, वो वैकेंसी की वजह से कम है क्या? तो हमने वैकेंसी की वजह से कम, मतलब वैकेंसी की वजह से कम है ये कैसे पता लगाएंगे? आप ये मान लीजिए, ये अज्यूम कर लीजिए कि पूरे साल जो आपका हाउस प्रॉपर्टी था वो पूरे साल लेट आउट था, तो अगर पूरे साल हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट होता तो हमारा रेंट कितना रिसीव होता? 1,44,000। अब देखेंगे क्या ईआर ज्यादा है या एआर ज्यादा है, एआर ज्यादा है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर दोबारा, ये 10,000 रुपये रेंट ज्यादा होता है या 12,000? सर 12,000। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, असेसी है वो, उसके इंटेंशन सही है या गलत है, वो सही रेंट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा? सर रेंट तो वो ज्यादा ही दिखा रहा है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उससे कंपेयर किया जाए तो असेसी रेंट ज्यादा दिखा रहा है या कम दिखा रहा है? सर ज्यादा दिखा रहा है, वो तो 12,000 बोल रहा है और गवर्नमेंट बोल रही है 10,000, तो असेसी का इंटेंशन सही है या जेन्युइन केस है या नहीं है? सर जेन्युइन केस तो है, लेकिन आप फिर भी उसे मार रहे हो। आप उसे कैसे मार रहे हो? आप उसे कह रहे हो कि नहीं, तुम्हारा रेंट जो है वो पूरे साल का 60,000 है, हम तो 1,20,000 लेंगे। अब बॉस वो 7 मंथ्स के लिए वो प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं गई, किसी ने उसे रेंट पर नहीं लिया, तो इसमें असेसी का क्या कसूर? लेकिन जब भी वो गई तब उसने रेंट तो आपको फेयर दिखाया, रेंट तो उसने ज्यादा दिखाया, उसने उसमें तो कोई मैनिपुलेशन नहीं किया। सर बात तो सही है, मतलब सच्चा आदमी है। बिल्कुल सर, तो क्या सच्चे आदमी का साथ देना चाहिए और इसका फायदा कराना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल। तो इस केस में क्या होगा बॉस? इस केस में ईआर नहीं लिया जाएगा, एआर लिया जाएगा, और वो कितना होगा? 60,000। सो जीएवी इन दिस केस इज गोइंग टू बी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड व्हिच इज 60,000। सर लेकिन यहाँ तो आप, लेकिन सर ए आर अगर बात करें इज लेस देन ई आर, ए आर इज लेस देन ई आर, एक्चुअल रेंट तो है वो कम है, और यहाँ पर अगर देखें एक्चुअल रेंट अगर कम होता है एक्सपेक्टेड रेंट से, सॉरी एक्चुअल रेंट अगर कम होता है एक्सपेक्टेड रेंट से तो हम एक्सपेक्टेड लेते हैं। मैंने कहा था ना एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन, यही है वो एक्सेप्शन, कि अगर आपका टोटल पूरे साल का, पूरे साल का एआर, पूरे साल का एआर कम आ रहा है पूरे साल के ईआर से, पूरे साल का एआर अगर कम आ रहा है पूरे साल के ईआर से, और उसका रीजन क्या है? वैकेंसी है।
मतलब हमारा जो फ्लैट था या जो प्रॉपर्टी थी वो कुछ टाइम के लिए खाली पड़ी हुई थी, और जब खाली पड़ी हुई है तो एक्चुअल रेंट रिसीव में वो वाला रेंट तो लेंगे नहीं, क्योंकि जो मिला नहीं वो रिसीव में लेंगे ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है बॉस, तो उस केस में क्या होगा, आप एक्चुअल रेंट में वो नहीं लेंगे और उसकी वजह से एआर विल बी लेस देन ईआर। ठीक है, तो आइए जो हमने करा, जो हमने प्रैक्टिकली समझा उसे पढ़ते हैं। क्या यही लिखा हुआ है, इफ द हाउस प्रॉपर्टी, इफ द हाउस प्रॉपर्टी वॉज वेकेंट फॉर होल और पार्ट ऑफ द ईयर एंड ड्यू टू वेकेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ड्यू टू वेकेंसी, ड्यू टू वेकेंसी मतलब वेकेंसी की वजह से द एक्सपेक्टेड रेंट इज मोर देन एक्चुअल रेंट, देन इन दिस केस जीएवी इज इक्वल्स टू एक्चुअल रेंट। क्या आपने भी एक्चुअल रेंट लिया देखा जाए तो? हाँ सर, हमने भी एक्चुअल रेंट लिया यहाँ पर, बावजूद इसके कि ईआर ज्यादा था, लेकिन हमने एक्चुअल रेंट लिया। क्यों? क्योंकि असेसी सच बोल रहा है यहाँ पर, असेसी ने अपना रेंट ज्यादा दिखाया है कंपेयर टू गवर्नमेंट का जो नॉर्म है उससे, लेकिन क्योंकि असेसी की प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट थी ही नहीं, उस केस में क्या हुआ सर, उसकी वजह से टोटल साल का एआर कम आ रहा था, लेकिन हमने तब भी वो ले लिया। ठीक है, तो अगर आप सही से चलेंगे तो लॉ आपको फायदा देगा, इवन व्हेन ईआर इज मोर देन, ब्रैकेट में हमने लिख दिया जीएवी एक्चुअल रेंट हो जाएगी इवन व्हेन एक्सपेक्टेड रेंट इज मोर देन एआर, एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है एआर से लेकिन तब भी हम एआर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने इसका एक क्रक्स निकाला। क्या निकाला क्रक्स? अगर कोई वैकेंसी नहीं है तो जीएवी विल बी हायर ऑफ द टू, मतलब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में से जो ज्यादा है वही जीएवी बन जाएगा। अगर वैकेंसी नहीं है तो आंख बंद करके क्वेश्चन में अगर दिया हो देयर इज नो वैकेंसी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर एंटायर ईयर, ठीक है, पूरे साल के लिए हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट थी, तो उस केस में हमें आंख बंद करके हमें क्या करना है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो जीएवी बन जाए। लेकिन अगर वैकेंसी है और एक्चुअल रेंट कम आ रहा है तो हमें ये देखना है, अभी हमें एक्चुअल रेंट ले नहीं लेना चुपचाप से, ठीक है, एक्चुअल रेंट चुपचाप से नहीं लेना। अब मैं आपको एक और केस दिखाता हूँ दोस्त, अब देखना, एक और केस की बात करते हैं, मान लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट कितना है इस केस में, 20,000 रुपीज, ठीक है, 20,000 कितना है 12 मंथ का सर, कितना हो जाएगा, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, ठीक है, देखा कैसे मैंने कर दिया, एक्चुअल रेंट, अच्छा सर इसमें कोई वैकेंसी है क्या, तीन चार सम कर लें, काम करें, चलो सर कर ही लेते हैं, अब आप बोल रहे हो तो, पहला हाउस प्रॉपर्टी है या आपकी 1, और इसमें आपका वैकेंसी नो वैकेंसी, मतलब पूरे साल 12 मंथ्स लेट आउट था हमारा, उस लेट आउट मतलब किराए पे दिया हुआ था, लेट आउट किया हुआ था, तो इस केस में एक्चुअल रेंट कितना लेना है सर, जो मर्जी ले लो, क्या लेंगे एक्चुअल रेंट, 10,000 ले लें, 10,000 ले लो सर, चलो इंटू 12 कितना आ गया सर, 1,20,000। अब आप क्या करोगे, आप रूल एप्लीकेबल करोगे, अच्छा नो वैकेंसी के केस में मैंने क्या बोला है, आंख बंद करके दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो जीएवी बन जाएगा, तो हमने क्या बोला, जीएवी इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रेंट, सोचना ही नहीं है ज्यादा। केस टू, सेम सिमिलर सिचुएशन, नो वैकेंसी, यहाँ पर ईआर कितना आ रहा है, ईआर कितना आ रहा है, लेटेस्ट से ईआर आ रहा है 2,00,000 रुपए, और एआर कितना आ रहा है, 2,40,000 रुपए, तो इस केस में नो वैकेंसी है सर, पूरे साल घर किराए पर लगा हुआ था, उस केस में क्या करेंगे सर, जीएवी क्या हो जाएगा सर, एआर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा सोचना ही नहीं है सर, दोनों में से जो भी ज्यादा है उसे ले लेंगे। ठीक है सर, तीसरा केस मैं आपसे बोल रहा हूं, वैकेंसी है कितने की वैकेंसी है, 2 मंथ्स की, मतलब लेट आउट कितना दिया है, कितने दिन, मतलब ये हम ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, वैकेंसी अगर 2 महीने की है तो लेट आउट कितने महीने था, 10 मंथ्स था, साल में 12 ही महीने होते हैं, मुझे तो इतना ही पता है। ठीक है, तो इस केस में कलर पसंद नहीं आ रहा, दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में अब क्या करेंगे सर, निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्सपेक्टेड रेंट अब मंथली बताऊंगा मैं आपको, मंथली एक्सपेक्टेड रेंट है 10,000 रुपीज़,
10,000 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे सर? 12। सर 2 महीने वेकेंट था ना, सर 2 महीने वेकेंट था, इसको यहाँ भी 2 महीने वेकेंट कर दो, इसको 10 कर देते हैं। नो नो ठीक है सर, यहाँ चेंज नहीं होगा। मतलब सर एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लिया जाएगा? जी हाँ, एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा 12 महीने का लिया जाएगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लेट आउट कितने टाइम था, एक्चुअल रेंट कितना है पर मंथ बताइए सर। पर मंथ बताते हैं 12, नहीं 14,000 ले लिया, 15,000 ले लो जी, 15,000। अब सर मल्टीप्लाई किससे करूं, 12 से कर दूं? टोटल साल में, साल में कितने महीने होते हैं सर? 12 महीने होते हैं। आप तो 12 ही लिख दो, यहाँ भी 12 लिखा, देखो लॉजिक देखो, यहाँ भी 12 लिखा, यहाँ भी 12 लिख दो सर, लिख दूं 12। लेट आउट कितने मंथ्स था सर? 10 मंथ्स था। अब आप बताइए सर, अरे गड़बड़ हो गई, ये तो इसे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे एग्जाम्पल को। हाँ, नहीं, बढ़िया 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 बढ़िया, जो मैं बताना चाह रहा था वो आ जाएगा इस पॉइंट पे। यहाँ से कितना हो गया सर रेंट? 1,20,000। और यहाँ से रेंट कितना हो गया सर एक्चुअल रेंट? 1,50,000। अब एक बात बताओ बेटे, अब एक बात बताओ कि इस केस में जीएवी क्या होगी सर? अभी अभी आपने पढ़ाया है वैकेंसी के केस में, वैकेंसी के केस में एआर को ले लेते हैं, वैकेंसी के केस में एआर ले लेते हैं, ये पढ़ाया ना मैंने, आ जाओ, वैकेंसी के केस में एआर को ले लेते हैं सर, हम एआर को ले लेंगे, मैंने ये पढ़ाया है क्या? नहीं दोस्त, मैंने ये नहीं पढ़ाया। मैंने पूछा, मैंने ये बोला था कि वैकेंसी अगर हो तो आप पहले तो ये देखो दोनों में से ज्यादा कौन सा है, दोनों में से ज्यादा कौन सा है सर? एआर ज्यादा है। तो ये जो एक्सेप्शन है ना केस 2 वाला, ये लगता कब है? केस 2 का एक्सेप्शन है, मतलब जब एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हो एक्चुअल रेंट से तब देखा जाता है, यहां तो एक्चुअल रेंट ही ज्यादा आ रहा है। अब इसमें एक्सेप्शन लगेगा क्या? इसमें एक्सेप्शन लगेगा सर? एक्सेप्शन तो तब लगता है जब एक्सपेक्टेड रेंट इज लेस देन एक्चुअल रेंट। क्या एक्सपेक्टेड रेंट, सॉरी एक्चुअल रेंट, सॉरी, एक्सेप्शन तब लगता है सर जब एक्सपेक्टेड रेंट इज मोर देन एक्चुअल रेंट ड्यू टू वैकेंसी। लेकिन यहां तो एक्सपेक्टेड रेंट ही ज्यादा नहीं है, यहां तो ज्यादा क्या है, हेयर ए आर इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो उस केस में क्या होगा, ए आर ले लेंगे सर, चुपचाप ए आर ले लेना, ये वेकेंसी देख के, अगर वेकेंट नहीं होता तो ये क्या होता, तो वो वाले कैलकुलेशन करेंगे क्या? नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है, ए आर ज्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसमें एक्सेप्शन लगा क्या? एक्सेप्शन वाला केस लगा? एक्सेप्शन वाला केस कब लगता है? जब ई आर इज मोर देन एक्सपेक्टेड, ज्यादा था एक्चुअल कम था, तो उस केस में भी एक्चुअल ले लेते थे, कम वाली वैल्यू ले लेते थे, कब? जब एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम है। यहां तो एक्चुअल रेंट वैसे ही ज्यादा है, वेकेंट होने के बाद ज्यादा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, और एक्चुअल में आप लेते भी क्या थे वहां पर, एक्चुअल रेंट ले लेते थे ना एंड में, तो एक्चुअल रेंट ही तो ले रहे हो यहाँ पे भी, तो झगड़ा किस बात का? ठीक है, तो हर जगह आंख बंद करके ये मत लगा देना कि नहीं नहीं सर यही लग जाएगा। ठीक है, तो वेकेंसी के केस में चेक करना पड़ता है। अब इसे ही हम यहाँ पर, इसी का ही एक दूसरा, ये इंफॉर्मेशन सेम है, एग्जाम्पल मैं दूसरा ले रहा हूँ, यहाँ पर ईआर कितना था आपका? 10,000 था, यहाँ 10,000 ही रहने देते हैं। ईआर हमेशा 12 महीने का ही लिया जाएगा, 12 मंथ्स का लिया जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट कभी भी कम नहीं होता। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एआर जो था आपका, एआर लेट अस सपोज 11,000 था, ये कितने मंथ्स का लेंगे सर? 10 मंथ्स के लिए लेट आउट था, तो 10 मंथ्स का ही लेंगे, 1,10,000 रुपये। अब यहाँ देखिए बहुत, सिचुएशन क्या अराइज हुई है, केस 1 या केस 2? सर सिचुएशन ये अराइज हुई है कि ईआर इज मोर देन एआर, ईआर इज मोर देन एआर, लेकिन सर क्या, सर एक दिक्कत है, असेसी सच्चा आदमी है, असेसी झूठ नहीं बोल रहा, भले ही आपको एनुअल बेसिस पे एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा दिख रहा हो और एक्चुअल रेंट कम दिख रहा हो, लेकिन असेसी सच बोल रहा है। तो क्या ये जो सिचुएशन अराइज हुई, ये ड्यू टू वैकेंसी अराइज हुई?
आप बोल रहे हो हाँ, मैं कह रहा हूँ एक बार चेक कर लो, ऐसा है क्या, एक बार चेक करके देख लो। तो अगर एक्चुअल रेंट, अगर वैकेंसी नहीं होती तो आपको क्वेश्चन में भी, मतलब जब आप एग्जाम में लिखेंगे तब भी आपको ऐसे लिखना है, इफ नो वैकेंसी देन एक्चुअल रेंट इज इक्वल्स टू, कितना हो गया सर, 11,000 रुपये था इंटू 12। अब यहाँ मुझे आ गई प्रॉब्लम, अब इस केस में क्या होगा सर, अब इस केस में क्या होगा, 110,000 प्लस 22,000, 110,000 प्लस 22,000, 132,000, 1,32,000। अब आप देख लें इन दोनों को कंपेयर कर लें, इन दोनों केसेस में क्या होगा, एक्चुअल रेंट ज्यादा आ गया, एक्चुअल रेंट ज्यादा आ गया, मतलब एसएससी सच बोल रहा है। तो एक्चुअल रेंट सर यहाँ पर कम क्यों आया, यहाँ पर दोस्त वैकेंसी की वजह से कम आया। अगर वो 2 महीने और रेंट पर चला जाता तो आपकी जो एक्चुअल रेंट थी वो सरपास कर जाती एक्सपेक्टेड रेंट को। तो इस केस में सर ले लो ना ईआर, क्या दिक्कत है, नहीं दोस्त नहीं ले सकते ईआर सर, जो ज्यादा है वो लेके खत्म करो ना, नहीं नाइंसाफी हो जाएगी एसएससी के साथ। वो आपको सच बोल रहा है, अगर पर मंथ रेंट देखोगे तो वो ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उसका हाउस वेकेंट रहा कुछ टाइम तक के लिए, इस वजह से एनुअली आपका जो एक्चुअल रेंट है वो थोड़ा कम आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से। तो इस केस में हमने क्या करा, हमने एसएससी का साथ दिया लॉ ने, और लॉ ने बोला इस केस में भले ही एआर कम है लेकिन एआर ही जीएवी होगा, जीएवी इज इक्वल्स टू एआर। ठीक है दोस्त, तो मेरा आपको बताने का मतलब सिर्फ ये था कि जस्ट बिकॉज वैकेंसी है इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेप्शन लागू हो जाएगा। ठीक है, हर वैकेंसी पे आंख बंद करके एक्सेप्शन मत लगा देना, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक और केस करा देता हूँ जो मैं आपको कराना चाह रहा था, इसी केस में ले लेते हैं, चलिए एक और फ्रेश केस। अब सर हमें तो ऐसा लग रहा है, ये एक पैटर्न सा लग रहा है हमको कि जब भी, मतलब हमने अभी तक जितने सम किए उसमें क्या हो रहा है, वैकेंसी होती है, ठीक है ना, वैकेंसी होती है, वैकेंसी होती है और ईआर ज्यादा आता है एआर से, और आप कहते हो एक्सेप्शन लगा देते हैं और फिर एआर को आप जीएवी ले लेते हो। ठीक है, तो हमें तो ये पैटर्न लग रहा है, अब अगले क्वेश्चन में भी हम यही करने वाले हैं। ठीक है ठीक है, तो देखते हैं वैकेंसी कितनी थी। वैकेंसी सर इस बार ले लो आप, वैकेंसी ले लेते हैं 2 मंथ्स की ही ले लेते हैं। ठीक है, और लेट आउट कितना था, लेट आउट कितना था, 10 मंथ्स। ठीक है सर, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट कितना था आपका पर मंथ, आपका एक्सपेक्टेड रेंट था 12,000 रुपये, 12,000 से कितना हो गया सर, 12 महीने का 1,44,000, राइट, यस सर। एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट था सर हमारा 11,000 रुपये, कितने मंथ्स का लेंगे सर, 12 मंथ्स का लेंगे, नो 10 मंथ्स का लेंगे, तो ये कितना हो गया, 1,10,000 रुपीज। नाउ विच वन इज, केस क्या बन के आया, केस टू सामने आया सर, एक्सपेक्टेड रेंट इज मोर देन एक्चुअल रेंट, लेकिन सर क्योंकि क्योंकि वैकेंसी है, आप क्या करो, आप सीधे एक्चुअल रेंट को ले लो। मैंने कहा कभी ऐसा नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, ये देखना है कि क्या एक्चुअल रेंट कम तो है लेकिन क्या ड्यू टू वैकेंसी कम है। ये क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, तो उसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, आइए, अगर वैकेंसी नहीं होती, इफ नो वैकेंसी, तब क्या होता, एक्चुअल रेंट कितना आता सर, 11,000 इंटू 12 महीने का रेंट आता है। ठीक है, फिर से ये कितना आया था, 1,32,000। अब सर आप इसे और इसे कंपेयर करिए, कौन सा ज्यादा आ रहा है, क्या एक्चुअल रेंट पूरे साल का, क्या एक्चुअल रेंट ईआर से, एक्सपेक्टेड रेंट से वैकेंसी की वजह से कम है। आप पूरा निकाल के देख लो सर, पूरे साल का, पूरे साल का भी अगर आपने निकाल के देखा तब भी आपने ये देखा, तब भी एक्चुअल रेंट कम ही आ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए, यहां पर आके देखो, असेसी ने रेंट कम दिखाया हुआ है, पर मंथ रेंट पे जब हमने आके देखा, ये एक ट्रिक है दोस्त, इसे बस इसे कहीं लिखना नहीं है आपको, बस आप एक बार पर मंथ बेसिस पे देख लेना, आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया, अरे हाँ ये तो असेसी ने वैसे ही कम दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या एक्चुअल रेंट
एक्सपेक्टेड रेंट है ड्यू टू वैकेंसी कम है? नो, हमने निकाल के देख लिया, अगर वैकेंसी नहीं भी होती ना, मान लेते हैं एक मिनट को, चलिए मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं एक मिनट को वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल रेंट कितना आ जाता, इस सबको हटा दो, एक्चुअल रेंट कितना आता? 1,32,000, ठीक है, मान लेते हैं वैकेंसी नहीं है, हटा दो सर वैकेंसी है ही नहीं, एक्चुअल रेंट कितना आया? 1,32,000, पूरे 12 महीने का रेंट मिला है। अब भी देख लो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, अब भी ईआर ज्यादा है, तब आप क्या करोगे, आप जीएवी जो लोगे वो ईआर लोगे, अगर वैकेंसी है भी तब भी यही आंसर होगा, क्यों? क्योंकि एआर इज नॉट लेस देन ईआर बिकॉज ऑफ वैकेंसी, खाली रहने की वजह से टोटल साल का रेंट ज्यादा कम नहीं है, खाली रहने की वजह से पूरे साल का रेंट कम नहीं है, रेंट पूरे साल का इसलिए कम है क्योंकि असेसी ने उसको कम रेंट पर दिया हुआ है, या असेसी हमसे कम रेंट पर दिखा रहा है उसको। सर लेकिन ये तो गलत बात है, आप बेमतलब में, एक्चुअल रेंट हमें मिला 1,10,000 और आप टैक्स किस पे लगाओगे? 1,44,000 पर। बॉस मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेड रेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है किसी भी जगह का, एक्सपेक्टेड रेंट जो एक्चुअल रेंट आपको मिलेगा ना उससे बहुत ज्यादा कम होता है, तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आप इससे भी कम दिखा रहे हो तो इसका मतलब पक्का आप 100% चीटिंग कर ही रहे हो हमसे, तो गवर्नमेंट उस केस में क्या करती है, एक्सपेक्टेड रेंट लेती है। लेकिन हाँ, अगर आपका इंटेंशन अच्छा होता, आपका पर मंथ रेंट 14,000 है और वैकेंसी की वजह से टोटल रेंट कम आ रहा है, तो हम आपका साइड लेंगे, तो गवर्नमेंट उस केस में गवर्नमेंट फ्री भी है, मतलब फेयर भी है, सॉरी, आपके लिए, ठीक है ना? तो ये हमने केसेस कर लिए सारे। चलिए, तो ये यहाँ पर हो गया। अच्छा, एक और, सॉरी, एक और नोट है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जीएवी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस, एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट होगी। इसकी मैं प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ, एक बात मुझे आपसे करनी थी, अभी रेजिडेंशियल स्टेटस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे ही है चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने जितना पढ़ा हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है, और उतने पढ़ने से हमने क्वेश्चंस भी किए थे क्लास में, तो आपको समझ आ गया होगा, इतना टफ नहीं है, लेकिन वो बहुत, मतलब बहुत आपके लिए ना एक बॉटलनेक बन सकता है, मतलब एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है आगे चल के, अगर आप उसे अभी प्रैक्टिस करते हुए नहीं चलोगे। मैंने जीएसटी में आपसे उस समय प्रैक्टिस नहीं कर पाई क्योंकि जीएसटी हो जाता है, इनकम टैक्स बल्कि बहुत है, ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है, मतलब वेटेज से मेरा मतलब है एग्जाम में भी आपका ज्यादा है, सीए के लिए ज्यादा है, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो कोर्स की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा है, तो अभी से उसको चलते हुए कर लोगे साथ में तो सही रहेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं तो एंड में जाके या सर की बात नहीं सुन रहे अभी कर लेंगे बहुत टाइम है, तो दोस्त जब बाद में किसी दिन 1 महीने बाद रेजिडेंशियल स्टेटस लेके बैठोगे ना, हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी, कुछ नहीं समझ आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। वो जो अभी बहुत आसान लगता है 2-10 में से 2 साल रेजिडेंशियल स्टेटस उसका रेजिडेंट होना चाहिए और ये सब जो बहुत आसान लगता है ना, 1 महीने बाद याद ही नहीं आएगा कुछ, और याद आएगा तो लॉजिक नहीं समझ आएगा, लॉजिक समझ आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो अभी याद भी है, लॉजिक भी क्लियर है, तो क्वेश्चंस और कर लो साथ में, ये तीनों अगर आपने स्टेप कर लिए तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जब नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करने बैठोगे, क्योंकि तब आपको पता है कि ये जो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन है ये हम कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दोस क्वेश्चंस, ठीक है? तो अभी मैं जैसे जैसे आपको असाइनमेंट देता जा रहा हूँ वैसे वैसे उनको कंप्लीट करते जाओ, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। टाइम थोड़ा सा अभी ज्यादा लगा दोगे बाद में दिक्कत नहीं आएगी, अभी कम लगाओगे तो बाद में इतना हैफजार्ड हो जाएगा, कुछ लोग 2 ग्रुप्स दे रहे होंगे, कुछ लोग सिंगल दे रहे होंगे, वट एवर द केस में भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप 1 दे रहे हो 2 दे रहे हो, आप अगर अभी से तैयारी करके चलोगे तो हो सकता है 1-2 महीने बाद आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि आप दोनों भी दिए जा सकते हैं, तो उसके लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी, वो 1 महीने बाद जाके अगर प्लान बनाया तो दिक्कत आएगी। अब मैं हाउस प्रॉपर्टी के भी क्वेश्चंस आपको दूंगा, अभी मैंने ये स्टार्ट कर दिया, अभी 1-2 दिन में बस लाइव सेशन भी स्टार्ट कर दूंगा मैं डाउट्स के लिए, तो आपके कोई भी अगर डाउट्स होंगे, पर्टिकुलर सम में भी डाउट है तो हम उसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, तो वो तब होगा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? कुछ लोग हैं, 5-6 लोग हैं बैच में जो कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं, डाउट्स पूछते हैं अपने, बाकी लोग पता नहीं, या तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कई लोग हो भी सकते हैं भाई, मुझे तो लगता नहीं है बट हो भी सकते हैं, तो वो डाउट्स कभी पूछते ही नहीं है। अच्छा, उनके टेस्ट में मार्क्स भी कम आते हैं, ये एक मैंने सिनेरियो देखा है, जो डाउट्स पूछते हैं, जो क्लियर करते हुए चलते हैं, वो टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली स्टडिंग। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें समझ आ रहा है, तो बेटा जो मैंने क्लास में कराया है
वो तो समझ आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, लेकिन जब आप करने बैठते हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो सिनेरियो अलग होता है क्योंकि उसमें मेरा ब्रेन नहीं लग रहा होता, आपका ब्रेन लग रहा होता है। तब चीजें रिकलेक्ट करना और उन्हें सॉल्व करना, उस समय बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपका उन चीजों पर ध्यान जाता है। अदरवाइज मैं जब बोलता रहता हूँ आप तो ग्रांटेड लेते हो, मतलब मैं भी लेता था अपने टीचर्स को, होता ही है वो तो, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए सर अब आगे चलते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स एंड देन वी विल स्टडी।